दिल्ली की सड़कों पर व्यापम घोटाले को लेकर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो कई कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के हाथ पैर पकड़कर उन्हें जबरन उठाया, टांग कर ले गए और बस में डाल दिया। कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग की। शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दो, मध्य प्रदेश में लोगों की सरेआम व्यापम से जुड़े हुए लोगों की कत्लेआम मचा हुआ है और नरेंद्र मोदी इस पे मौन है। यूथ कांग्रेस डिमांड करता है, यूथ कांग्रेस कि शिवराज सिंह चौहान पहले इस्तीफा दे, फिर सीबीआई की इंक्वायरी हो। इन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरने से पहले जंतर मंतर पर एक सभा की जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल रहे। मुझे लगता है कि व्यापम घोटाले में सबसे बड़ी बात वो कुमारी उमा भारती, सुश्री उमा भारती जी का बयान है, जो खुद कहती हैं कि उनको और उनके सहयोगियों की जान का खतरा है। जब केंद्रीय मंत्रियों की ही जान का खतरा है तो माफ कीजिए, फिर व्यापम में न्याय कैसे हो पाएगा? हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और ये स्पष्ट है कि 49 मौतें हो चुकी, इनकी जांच केवल माननीय उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में सीबीआई कर पाएगी। कांग्रेस लगातार कह रही है कि शिवराज को इस मामले में सीबीआई जांच के लिए सीधे केंद्र सरकार को लिखना चाहिए। शिवराज सिंह जी की सरकार भाजपा की दिल्ली में है, उन्हें सीधे पत्र लिख देना चाहिए था यहाँ दिल्ली में कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और वहाँ हाईकोर्ट को इसी तरह इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अभी तक मैंने वो भाषा नहीं देखी है कि सीबीआई जांच के लिए क्या भाषा लिखी गई है, सारी बातें स्पष्ट आने दें। पर इसमें मुझे नीत और नियत दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर शक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।